अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी डेली। वोकैबुलरी वर्ड इज होल्ड वाटर। इट वाज रिक्वेस्ट बाय आकाश मलिक एंड आकाश हियर्स योर लेसन। होल्ड वाटर इज अ फ्रेज एंड इट मींस लॉजिकल वैलिड ट्रू। देखिए, अब ये जो होल्ड वाटर है, ये फ्रेज यूज की जाती है किसी भी स्टेटमेंट के बारे में या किसी भी थीरी के बारे में या किसी भी बात के बारे में। अगर कोई बात आपके सामने कही जाती है या कोई स्टेटमेंट आपके सामने आती है या कोई थीरी आपके सामने आती है और आपको लगता है कि ये जो थीरी है या ये जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकल है, ये सही है, ये ट्रू है, ये वैलिड है, तो तब आप कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट होल्ड्स वाटर। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ना या ये जो बात है ना, ये होल्ड्स वाटर, मतलब कि ये ठीक है, ये ट्रू है, ये मुझे लॉजिकल लग रही है, ये मुझे वैलिड लग रही है। सिमिलरली, अगर आपको वो स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रही है, वो लॉजिकल नहीं लग रही है, या वो थीरी या वो जो बात है वो आपको लॉजिकल नहीं लग रही है, आपको इलॉजिकल लग रही है, आपको लग रहा है कि ये झूठ है, ये सही नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो तब आप कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट डजंट होल्ड वाटर, कि ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे ट्रू नहीं लग रही। ठीक है, तो होल्ड वाटर का मतलब ये होता है किसी बात के बारे में ये कहना कि ये सही है, ये समझ में आ रही है बात, या ये लॉजिकल है, या ये ट्रू है। ठीक है, तो आई होप कि आपको होल्ड वाटर का मतलब जो है समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हाउ फर्स्ट एग्जांपल इज पॉलिटिशियंस क्लेरिफिकेशन ऑन स्कैम डजंट होल्ड वाटर। कि जो पॉलिटिशियन ने जो स्कैम के ऊपर अपनी क्लेरिफिकेशन दी, देखिए कोई स्कैम हुआ है, उस स्कैम के ऊपर आकर एक पॉलिटिशियन जो है वो उसकी एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है और आपको उसकी क्लैरिफिकेशन जो है ना वो लॉजिकल नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि ये बात बस बना रहा है, ये ठीक नहीं, ये वैलिड नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि इट डजंट होल्ड वाटर, मतलब कि उसकी जो क्लैरिफिकेशन है ना वो ट्रू नहीं लग रही है, इट डजंट होल्ड वाटर। अ सेकंड एग्जांपल इज योर आर्गुमेंट इज इररेलेवेंट एंड डजंट होल्ड वाटर। कि तुम्हारा जो आर्गुमेंट, जो तुम इस बात पे अपना आर्गुमेंट दे रहे हो, वो रेलिवेंट नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, एंड इट डजंट होल्ड वाटर, कि वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, वो मुझे वैलिड नहीं लग रहा है तुम्हारा आर्गुमेंट। अ थर्ड एग्जांपल इज इन माय ओपिनियन हर स्टोरी होल्ड्स वाटर एंड आई ट्रस्ट हर। कि मेरी ओपिनियन में उसकी जो स्टोरी है, जो भी उसने स्टोरी बताई है, वो मुझे वैलिड लग रही है, ठीक लग रही है, और मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ। Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, and I see you next lesson. Allah.